पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की सरबराही में कायम अबूरी सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को कल तलब कर दिया गया। कप्तान बाबर आजम को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रसाई हासिल न करने पर शदीद तनकीद का सामना है। जबकि पीसीबी में भी बाबर आजम से वनडे और टी20 की कप्तानी वापस लेने से मुतल्लिक चयन मगोयां की जा रही हैं। वर्ल्ड कप में कौमी टीम के नाकिस कारकर्दगी की वजूहत जानने के लिए चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने मुलाकातें शुरू कर दी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने साबिक क्रिकेटर से मुशावरत की। मुशावरत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स में यूनस खान, मोहम्मद हफीज, बहादुर रियाज और सुहेल तनवीर शामिल। साबिक क्रिकेटर्स ने कौमी स्क्वाड के नाकिस कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज दी। ज़राए के मुताबिक साबिक क्रिकेटर्स ने टीम में गैर जरूरी तब्दीलियां न करने की तजवीज़ दी और तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें बनाने का भी मशवरा दिया। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम पर दबाव कम करने के लिए रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को कल तलब कर लिया है, जबकि डायरेक्टर क्रिकेट मैकआर्थर भी कल लाहौर पहुंचेंगे। मैकआर्थर और मैनेजर रेहान उल हक ज़का अशरफ से मुलाकात में अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। बाबर आजम, मैकआर्थर और साबिक क्रिकेटर्स की रिपोर्ट्स की रोशनी में कौमी टीम से मुतअल्लिक फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानब पीसीबी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की सरबराही में बनने वाली अबूरी सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी है। नई सिलेक्शन कमेटी की तश्कील के लिए मुशावरत जारी, जबकि कौमी सिलेक्शन कमेटी का जल्द ऐलान मुतवक्के है।